तुर्की और अमेरिका की F-16 के हवाले से डील चल रही थी और फाइनली कांग्रेस ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अब टर्किश एयरफोर्स और टर्किश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि टर्की जो है वो F-16 की डील से शायद बैक ट्रैक कर रहा है, क्योंकि टर्की जो है वो $23 बिलियन की इस डिफेंस डील की बजाय कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाए जिन पर अमेरिकन प्रेशर्स भी ना हो और इसके साथ साथ उन पर मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जा सके। तो इसलिए इस हवाले से जो F-16 की डील है वो अब जो है वो बैक ट्रैक होती नजर आ रही है। टर्किश एयरफोर्स उसके अंदर अब इतना इंटरेस्ट ले रही जितना वो इससे पहले ले रही थी। इस हवाले से और भी जो मालूमात टर्किश एयरफोर्स के हवाले से जो है वो खबरों में अनवील की गई है, उसके मुताबिक टर्किश एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून के अंदर इंटरेस्टेड है और तकरीबन 40 के करीब यूरोफाइटर टाइफून्स को टर्किश एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करने जा रही है। इसके साथ साथ जो टर्किश एयरफोर्स इसलिए भी जो है वो यूरोफाइटर टाइफून के अंदर इंटरेस्टेड है क्योंकि एक तो इसके अंदर यूरोपियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है तो इस हवाले से उसको इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यूरोफाइटर टाइफून के हवाले से जो मजीद डिटेल सामने आई है वो ये है कि यूरोफाइटर टाइफून की एक्विजिशन के हवाले से भी जर्मन जो है गवर्नमेंट वो रिलक्टेड है कि इसको टर्किश एयरफोर्स को जो है अभी सेल आउट ना किया जाए, क्योंकि जर्मनी टर्किश गवर्नमेंट की चंद पॉलिसीज की वजह से जो है यूरोफाइटर टाइफून की सेल को बैन की हुआ है और जर्मन गवर्नमेंट ये चाहती है कि टर्किश गवर्नमेंट पहले उनकी जो रिजर्वेशन हैं उनको दूर करे। तो अगर यूरोफाइटर टाइफून की जो एक्विजिशन हो जाती है अगर वो एक्वायर कर लेती है तो इट्स अ बिग डील और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स को जो है वो टर्किश एयरफोर्स लोकली भी मैन्युफैक्चर करके इसके साथ इंटीग्रेट कर सकती है जिस तरह F-16 के साथ इंटीग्रेट किए गए थे। यूरोफाइटर टाइफून की एक्विजिशन के बाद टर्किश एयरफोर्स ग्रीस के साथ उसके जो ताल्लुकात चल रहे हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है उनका मुकाबला करना चाह रही है क्योंकि अमेरिकन एयरफोर्स F-35 प्रोवाइड करने जा रही है ग्रीस एयरफोर्स को, यूनानी एयरफोर्स को, और इसकी एक्विजिशन खित्ते के अंदर जो है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको जो है वो डिस्टेबलाइज कर सकती है। और टर्किश एयरफोर्स इसलिए खान प्रोजेक्ट को भी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टार्ट की हुई है और जल्द ही जल्द उसको ऑपरेशनलाइज करने जा रही है। इसके साथ साथ यूरोफाइटर टाइफून की एक्विजिशन भी टर्किश एयरफोर्स की जो फाइटर एयरक्राफ्ट के हवाले से उसकी जो कमी है उसको भी पूरा करने के काबिल बना सकेगी। उम्मीद करूंगा कि आपको टर्किश एयरफोर्स के हवाले से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट डिफेंस अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।